राघुगढ़ रविवार को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तहसील रातोगढ़ ग्राम सनोतिया में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन एलईडी टीवी के द्वारा किया गया। सैकड़ों की तादाद में आसपास के गांव से श्रद्धालु प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। संत रामपाल जी ने सत्संग में बताया कि परमात्मा उसको कहते हैं किसी की आत्मा नहीं दुखाते, किसी का बेटा बेटी नहीं मारे, किसी को कैंसर जैसी बीमारी नहीं करे, किसी को दुख नहीं देवे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा है कबीर साहब। कबीर साहब ही केवल सुख देते हैं, दुख नहीं देते। हमें कबीर परमात्मा जी की भक्ति करनी चाहिए। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सनाव के जाने। एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, मल मूत्र खाता पीता फिरता है। सत्संग में सृष्टि रचना कैसे हुई है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी बताया गया। नमस्कार सर, सत्साहेब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज दास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बड़ा आमला तहसील राघोगढ़ जिला गुना का रहने वाला हूँ। यह सत्संग देखने को मिला है, यह सत्संग कहाँ किया जा रहा है? यह सत्संग राघोगढ़ तहसील के ग्राम सनोतिया में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? यह सत्संग संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। सत्संग में हमने देखा कि किसी प्रकार का छुआछूत एवं जाति प्रथा का भेदभाव हमको देखने को नहीं मिला, ना ही कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ और किसी भी प्रकार का देखने को मिला। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, यह सत्संग जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, जाति प्रथा या अन्य किसी भी प्रकार की जो सामाजिक जो नशीली वस्तुएं हैं उनका भी सेवन नहीं होता है जी। इस प्रकार के सत्संग करने का आपका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य केवल यही है कि मतलब संसार में एक सद्भक्ति का ज्ञान जाए, संसार को एक मतलब सद्भक्ति का ज्ञान मिले, और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं उनका नशा, चोरी जारी, छुआछूत वगैरह जितने भी आडंबर है सबको छूटते जा रहे हैं इससे। आप जो पुस्तक पकड़े हो, ये पुस्तक किनके द्वारा छपी गई है? यह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा छपी गई है। इनमें चारों वेद, 6, 7, 18 पुराण, गीता, बाइबल सभी का प्रमाण मिलता है पूरे श्लोक नंबर के सहित। यह सत्संग पहली बार किया जा रहा है कि और भी किए जाते हैं और किए जा चुके हैं? यह सत्संग लगभग जिले में कई तहसीलों में होते जा रहे हैं। यहाँ भी एक दो बार सत्संग हो गया है और जिले में जगह जगह प्रत्येक रविवार को या अन्य दिन को भी सत्संग होते रहते हैं। सत्संग करने में समाज को क्या दिशा निर्देश देने के विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के? संत रामपाल जी महाराज के समाज में इतना बढ़िया प्रचार चल रहा है इनका, मतलब समाज में जितने भी बुराइयां हैं, चोरी जारी है, छुआछूत वगैरह, दहेज वगैरह, रिश्वत लेना, इन सब का मतलब धीरे धीरे यहाँ से समाज छोड़ रहा है और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं लोग काफी संख्या में। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं सत्संग में? यह लोग यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं कि राजस्थान, MP और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, जिले से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप कौन से पद पे हो जहाँ पे? मैं यहाँ पर जिला सेवादार के पद पर हूँ। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर जिला सेवादार की एक नियुक्ति की जाती है प्रत्येक जिले में।